इत की जानती है अपने मामा की सच्चाई पहले से। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल राधा मोहन के आने वाले एपिसोड पे आप देखेंगे, जब राधा अपने मामा के पास होती है, इत की राधा को फिर से बुलाने के लिए आती है। यहाँ तक कि मामा अपने पास राधा को रोकने के लिए उससे दूध मंगवाने की कोशिश करता है, लेकिन केतकी किसी और के हाथों भिजवाने की बात करती है। इसे तैसे करके केतकी राधा को वहाँ से भेज देती है। राधा जब अपने कमरे में सोने के लिए जाती है तब वो उस पूरी घटना के बारे में सोचती है, लेकिन फिर खुद को ये समझा लेती है कि हम गलत सोच रहे हैं। लेकिन अगले दिन सुबह जब रसोई में राधा चाय बनाने के लिए जाती है, मामा भी पीछे से आ जाते हैं, राधा को गलत टच करने की कोशिश करते हैं। अभी राधा के हाथ से चीनी छूट कर नीचे गिर जाती है, जिस पर कादम्बरी, दामिनी और केतकी वहाँ पर आ जाती है। चीनी गिरने का कारण पूछती है, साथ ही कादम्बरी ये भी पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मामा झूठ बोलते हैं कि वो जलेबी बनाने आए थे। इसके बाद कावेरी अपने भाई को बोलती है कि ठीक है तो आज जलेबी बना ही दो, पर कादम्बरी जो है किसी की हेल्प के लिए मामा को भेजने की बात करती है। राधा जो है इनकार कर देती है क्योंकि वो मामा की राधे जानना चाहती थी। राधा जलेबी का घोल बना रही होती है, मामा फिर से राधा को छूने की कोशिश करता है, तो राधा गुस्से में आकर मामा का हाथ खोलते हुए तेल में डाल देती है। पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और आग जलने का कारण पूछता है। इस पर राधा जो है सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन राधा का सच फिर भी झूठा साबित हो जाएगा। इतना कुछ हो जाने के बाद राधा की बात पर कोई भी विश्वास करेगा नहीं, हो सकता है आगे चलकर केतकी ही राधा की मदद करे इस सच को बाहर लाने में। दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।